ट्रिपल तलाक का यूं तो जिक्र कुरान में भी नहीं है और ये बेसिकली इस्लाम की स्पिरिट के अगेंस्ट है, तो कोर्ट से भी हमें यही उम्मीद है कि वो इस चीज़ को मेंटेन करते हुए एक प्रोग्रेसिव जजमेंट देगा जो मुस्लिम औरतों के फेवर में आएगा। कोर्ट औरतों की तकलीफ़ को और इससे होने वाले उनको जो मिसट्रीटमेंट मिलता है उसको समझे और उनको रिलीफ पहुँचाए। बस यही चाहते हैं कि जैसे हमारे कुरान में जो भी इसके बारे में कहा, कोई एक तो तलाक़ का कोई ऐसा वो नहीं है कि तलाक होनी ही चाहिए, लेकिन जो भी कुरान के मद्देनज़र रखते हुए उसकी रोशनी में ही सारे जजमेंट होना चाहिए कि औरत के ऊपर कोई टॉर्चर नहीं होना चाहिए उस